हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इज मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी, सेम एट ऑल थ्री पॉइंट्स ए बी सी, मैक्सिमम एट ए। तो इसके लिए हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है ऐसे, इसका मतलब इधर की तरफ पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल, और इधर की तरफ लो पोटेंशियल है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलेंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलने पर पोटेंशियल घटता है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर होगा, बी पर, उससे कम सी पर, और सबसे कम ए पर। इसलिए आंसर जो हो गया, पोटेंशियल बी पर सबसे मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर और जानना है इसको तो इसको समझें। और देखो, अगर हम कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं इसको, आंसर तो खत्म हो गया। बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दर्शन में के अलोंग चलेंगे अगर हम तो पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो देखो ऐसे, या फिर एक सरफेस बना सकते हो यहाँ पर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इस सरफेस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर भी इस पॉइंट का एवरी पॉइंट का सेम होगा, इसका एवरी पॉइंट का सेम होगा, इस सर्फेस पर लाई करने वाले सेम होगा। लेकिन ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलने पर पोटेंशियल घटता है, ठीक है? ठीक है, जैसे अगर इस सर्फेस पर मैं V1 मान लूँ, इस सरफेस पर V2 और इस सरफेस पर V3। तो V1 सबसे बड़ा होगा, V2 से छोटा होगा, और V3। लेकिन इस सरफेस पर एवरी पॉइंट पर V1 होगा, इस सरफेस पर एवरी पॉइंट पर V2 होगा, इस सरफेस पर एवरी पॉइंट पर V3 होगा। तुमने पढ़ा हो प्रॉपर्टी ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक लाइन्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? तो अलोंग चलने पर पोटेंशियल घटता है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, तो देखो एक पॉइंट चार्ज ले लो। अब जैसा कि जानते हैं कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है? ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन है। अब ये पॉइंट चार्ज है बेटा। अब जिसमें दो पॉइंट ले लें, एक ए और एक बी। तो ये ए पॉइंट इससे R1 दूरी पर है और बी पॉइंट इससे R2 दूरी पर। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप जानते हैं कि के क्यू ओवर R1, और बी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू ओवर R2। सिंस R1 R2 बड़ा है किससे, R1 से, इसीलिए जब R2 बड़ा है तो VA बड़ा होगा किससे, VB से। देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पॉइंट का कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर यहां पर ज्यादा पोटेंशियल, उधर कम, तो इधर की तरफ चलने पर पोटेंशियल देखो घट रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, ठीक है? अब बच्चे सोचते हैं कि सर, अगर एक छोटा सा पॉइंट और डाउट है मेरा, कि अगर नेगेटिव चार्ज ले लेता तो इसकी डायरेक्शन जेडली आउटवर्ड इनवर्ड होती है, सॉरी, ऐसे। क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अब दो पॉइंट ले लो, तो सर ए और बी, जैसे आपने पहले लिया, तो देखो ये R1 है और ये R2 है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा माइनस का के क्यू ओवर R1, और बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा माइनस का के क्यू ओवर R2। अब ज्यादा तो R2 है R1 से, तो इसीलिए आपका ए पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है बी से, लेकिन नेगेटिव में है बेटा, नेगेटिव में बड़ा है। देखो नेगेटिव में बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो वैल्यू छोटी है, तो इसीलिए पोटेंशियल अभी भी किसका ज्यादा है, बी का, बी का ज्यादा हुआ ए से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि माइनस के 100 वोल्ट बड़ा पोटेंशियल है या माइनस के 50 वोल्ट, तो माइनस के 50 वोल्ट बड़ा होता है बेटा, नेगेटिव में ना। 0 वोल्ट बड़ा है या फिर माइनस के 1 वोल्ट,
तो 0 वोल्ट बड़ा होगा, 0 हाई पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू -1 वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव में जितना ज्यादा नेगेटिव उतना पोटेंशियल कम। तो देखो R2 ज्यादा है तो BV की वैल्यू नेगेटिव में कम आएगी, तो लेस नेगेटिव आएगी ये, लेस नेगेटिव। और ये R1 कम है तो ये मोर नेगेटिव आएगी, ये मोर नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये लेस नेगेटिव है तो ये इसका मैं पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। इसीलिए अभी भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रेस में चल रहा हूं तो ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रेस ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है ना। इसीलिए मैं यहाँ ये समझ में आया हुआ उम्मीद करता हूँ। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।